जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी फौजी, लकी डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो मैं आज आपको चार एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको रनिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले। चाहे 1600 मीटर रनिंग कर रहा है, चाहे बंदा 5 किलोमीटर रनिंग कर रहा है, 2 या 3 चक्कर काटता है और उसको थकान हो जाती है, उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। तो मेरे भाई, आपको रनिंग के साथ साथ जो मैं एक्सरसाइज बताते हैं वो एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी पूरी बॉडी आपकी मजबूत होगी। हाथ, पैर, पेट, छाती, जब तक ये मजबूत नहीं होगे आप प्रॉपर तरीके से रनिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कुछ ना कुछ 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइजें मैं आपको वीडियो के माध्यम से डालता हूँ। इस करने से ये फायदा होगा, इससे हाथ मजबूत होंगे, इससे पेट मजबूत होगे। तो भाई, उन एक्सरसाइजों को करना, रनिंग करना, रनिंग के करके आने के बाद में आपको 5-10 मिनट वो एक्सरसाइजें करनी है। धीरे धीरे 1 महीना 1.5 महीने में आपका शरीर इस हिसाब से इतना मजबूत हो जाएगा, आपको रनिंग करते समय पैर दर्द, छाती दर्द या पेट दर्द या कोई हाथों का मूवमेंट, कई बोलते हैं हाथ दर्द करने लग जाते हैं, किसी प्रकार का आपको कोई दर्द नहीं होगा और आप अच्छी तरीके से 1600 मीटर या 5 किलोमीटर रनिंग इजी तरीके से आप और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ कर पाओगे। तो आज मैं आपको जो 4 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, उन एक्सरसाइजों को आपको करना है और 1 महीने के अंदर ही आपको महसूस होगा कि भाई हमारे पैर बहुत ज्यादा मजबूत हो गए और रनिंग करते समय हमारे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसको जंपिंग जैक बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको सेम सीधा खड़ा हो जाना है और ये इस हिसाब से पोजीशन, ये नीचे बैठना, कमर को सीधा, इस हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये आपकी आज की फर्स्ट एक्सरसाइज, ये करनी है। अभी लेते हैं नंबर 2 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, नीचे बैठ जाना है, आस आगे की तरफ और दोनों पैरों को क्या करना है, ओपन क्लोज, 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 इस हिसाब से करना है। फिर आपको 20 से 40 सेकंड बॉडी को रेस्ट रिलैक्स कर देना, ठीक है। थोड़ा बहुत आप हाथ पैरों का मूवमेंट कर देना। उसके बाद में अभी मैं बताऊंगा आपको नंबर 3 एक्सरसाइज। 3 एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ये पोजीशन है, यहां 4 सेकंड आपको होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4 4 सेकंड, फिर आपको जंप, फिर आपको 4 सेकंड होल्ड करना, फिर आपको जंप। देखा, कमर आपकी सीधी, हाथ आगे की तरफ, ये 4 सेकंड होल्ड, फिर जंप, 4 सेकंड होल्ड, फिर जंप, 4 सेकंड होल्ड, फिर जंप। इस हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। पैरों के लिए पैर आपके बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। फिर आपको 30 से 40 सेकंड रिलैक्स करना है, सांस आपकी भरेगी तो उसको मुंह के द्वारा छोड़ देना है, छोड़ते जाना है, जिससे क्या होगा आपकी सांस नहीं भरेगी। लास्ट और चौथी एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, इसमें सेम आपको नीचे बैठना है, पैरों को लेफ्ट राइट, 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 फिर आपको 30-40 सेकंड बॉडी को रिलैक्स दे देना। बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, दर्द होगा, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, कंटिन्यू आपको 1 महीने तक करना है, उसके बाद भी जारी रख सकते हो, इसका रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर ही मिल जाएगा। जो मैंने आज आपको 4 एक्सरसाइज बताई है, आप करके देखना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतनी एक्सरसाइज से आपको 4-5 दिन दर्द होगा तो उससे आपको डरने की या कोई टेंशन मारने की जरूरत नहीं है, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द करे, दर्द करेंगे, हार्ड एक्सरसाइज है थोड़ी। तो आप जो नए बंदे, नया बंदा क्या कर सकता है, पहले 1 दिन करना एक एक्सरसाइज, फिर दूसरी एक्सरसाइज दूसरे दिन, तीसरी एक्सरसाइज तीसरे दिन, मतलब 4 एक्सरसाइज 4 दिन में करनी है आपको, जो नया बंदा है। और पुराने बंदे वो पहले दिन 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके अगले दिन 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं, और टाइमिंग अपने हिसाब से देख लेना, जब तक आपको ऐसे लगे मैं कर सकूंगा और रनिंग में मेरे को किसी प्रकार अगले दिन दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी। 4 से 5 दिन आपको दर्द करेगा पैर, तो उससे आपको नहीं घबराए, ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहे, 1 महीने में रिजल्ट आपके सामने होगा, पैर आपके बहुत ज्यादा ताकतवर और मजबूत बन
बन जाएंगे, जिससे आपको रनिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे पास शेयर करना, जिससे बाकी भाइयों को फायदा मिल सके। आप लोग अपना ऐसे प्यार देते रहना, और भी अच्छे अच्छे मैं वीडियो फिजिकल के लाता रहूंगा। आपका दोस्त लकी फौजी, जय हिंद जय भारत।